नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिजिहेलर आईएल इनहेलर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। डिजिहेलर आईएल इनहेलर का मुख्य उपयोग सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस इनहेलर के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह इनहेलर कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस इनहेलर के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस इनहेलर से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का 120 MDI का यह इनहेलर आपको 299 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इस इनहेलर में मौजूद कंटेंट के बारे में। डिजिहेलर आईएल इनहेलर में लिवोसल्बुटामॉल 50 mcg और इपाट्रोपियम ब्रोमाइड आईपी 20 mcg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद लिवोसल्बुटामॉल यह एक ब्रोंकोडायलेटर है जो वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है और वायु मार्ग को चौड़ा करता है। और इपाट्रोपियम यह एक एंटीकोलिनर्जिक है, यह भी वायु मार्ग में मांसपेशियों को आराम करके काम करता है और वायु मार्ग को चौड़ा करता है। बात करते हैं इस इनहेलर के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही इसे फेफड़ों को होने वाला वायु का फ्लो ब्लॉक होने के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और यह वायु मार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है और सांस लेना आसान बनाता है। यह खांसी, घबराहट और सांस लेने में कठिनाई से राहत देता है। इन सभी समस्या में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस इनहेलर से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस इनहेलर में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस इनहेलर से आपको गले में खराश, जोड़ों में दर्द, खांसी, सिर दर्द, छाती में दर्द, कब्ज, मतली, उल्टी, दस्त, बुखार और चक्कर आना यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह इनहेलर इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस इनहेलर में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस इनहेलर का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस इनहेलर का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और याद रखें कि यह अचानक शुरू हुए लक्षणों को दूर नहीं करता है, इसलिए आपातकालीन लक्षणों का इलाज करने के लिए हमेशा बचाव इनहेलर का इस्तेमाल करें और जब तक आपका डॉक्टर इसे बंद करने को ना कहे तब तक इसे बंद ना करें। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस इनहेलर का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस इनहेलर का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस इनहेलर का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। पहले तो इनहेलर को हिलाएं। जब आप मुंह से सांस ले रहे हो तो दवा छोड़ने के लिए इनहेलर पर एक बार दबाएं और 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें और इसको उतनी बार दोहराएं जितनी बार आपको डॉक्टर द्वारा सुझाया गया है। बाद में अपने मुंह को पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें और इसे थूक दें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।